नीमच विद्या भारती के सेवा प्रकल्प विकास नगर स्थित 70 सीटर सेवा मंदिर कन्या छात्रावास लगभग बनकर पूर्ण होने आया है और जल्द ही आगामी 2 से 3 माह में छात्रावास के लिए छात्राओं की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आपको बता दें, सेवा भारती के सदस्य संतोष चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रावास का 80% निर्माण पूरा हो चुका है। 3 महीने में छात्रावास पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस छात्रावास में प्रतिभावान एवं जरूरतमंद छात्राओं को रखा जाएगा। आपको बताते चले, आज शुभ मुहूर्त होने के कारण छात्रावास का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण हवन पूजन कर किया गया। इस दौरान ओम अग्रवाल, तेल वाले विवेक कटारिया, अशोक बागड़ी, प्रशांत मित्तल, संजय सोनी सपत्नी हवन में बैठे और आहूति दी। इस अवसर पर सेवा भारती के संतोष चोपड़ा, यशवंत यादव, अनिल जैन, नारायण सिंह राठौड़, मदन पाटीदार, सुरेंद्र लोढ़ा, वासुदेव गर्ग, सुनील पटेल, विजय बाफना, ओम प्रकाश राठौड़ मौजूद थे। दैनिक दिल्ली न्यूज के लिए नीमच से ब्यूरो रिपोर्ट। सेवा मंदिर कन्या छात्रावास यह विकास नगर में स्थित यहाँ पर निर्माणाधीन है। आज अच्छा शुभ मुहूर्त होने के कारण यहाँ पर इसके हवन का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। यह छात्रावास लगभग 80% बनकर तैयार हो चुका है। इस छात्रावास में प्रतिभावान निर्धन छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। इन सभी छात्राओं के रहने के साथ साथ पढ़ाई की एवं अन्य जो भी उनके लिए गतिविधियाँ हैं, उन सब की व्यवस्था यहाँ छात्रावास की यह समिति उनके लिए करेगी। इस छात्रावास में अभी शीघ्र ही 1 महीने के पश्चात यहाँ पर छात्राओं के प्रवेश प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज़।